तो वहीं दिल्ली के चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में मतदान के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हमारे साथ चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जुड़ गए हैं, जिनसे हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। चुनाव खत्म हो चुका है, प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल सबसे पहले यही है, अब मतदान पूरा हो चुका है, कैसा रहा चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा रहा, लोगों ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और खरोश के साथ मेहनत की है और चुनाव परिणाम हम सबको पता है। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, वहीं दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चुनाव अब खत्म हो गए हैं, बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा होगा, रिलीफ हो रहा होगा, कैसे रिलैक्स कर रहे हैं? जी हाँ, जीवन बदल गया। कहाँ तो 90 दिन मेहनत की पराकाष्ठा को हम सब लोगों ने छुआ। मैं पिछले 90 दिन केवल 2 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाया। अब उसके ठीक उलट दिन में करने के लिए कोई विशेष काम नहीं है, लोगों से मिलना है, आराम करना है, परिवार के साथ में समय बिताना है, कुछ जो शौक है वो शौक अपने पूरे कर रहे हैं। 3 तारीख तक यही चलेगा, 4 तारीख से फिर वापस भाग दौड़ की ज़िंदगी चालू हो जाएगी। दिल्ली में गर्मी काफ़ी पड़ रही है, पारा काफ़ी हाई जा रहा है, लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आपको कैसे रहा? देखिए, गर्मी प्रचंड है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव में भी जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा जनता ने दी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दी, उससे मनोबल हमेशा ऊंचा रहा। और इस समय भी गर्मी काफ़ी है, कोशिश ये होती है कि गर्मी से थोड़ा बचा जाए। चुनाव में तो मजबूरी थी क्योंकि प्रचार करना था, तो प्रयास यही करता हूँ कि ज़्यादा गर्मी में दोपहर में ना निकला जाए। बट फिर भी लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, जो कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है उनसे लगातार चर्चा जारी है, तो थोड़ा बहुत तो इसको सहन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रवीण जी, हाल फिलहाल में लोगों की भी परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है गर्मी के चलते। दिल्ली में आप देख रहे हैं बिजली संकट है, जल संकट है, ऐसे में आपके पास भी शिकायतें आ रही होंगी? देखिए, शिकायतें तो क्योंकि लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि सांसद के रूप में भाजपा के सभी प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं। और ये सारी शिकायतें बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में किस तरह से दिल्ली को नेगलेक्ट किया है, दिल्ली के क्षेत्रों को नेगलेक्ट किया है। पानी की बहुत बड़ी शिकायत लगातार अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, बिजली की अपनी एक समस्या है, तो कुल मिलाकर के समस्याओं का अंबार है, ये हम सब लोगों ने समझा है। और एक एक करके हम समस्याओं का निदान करने में पूरी चेष्टा करेंगे, ये विश्वास जरूर है, लोगों को यही कहा है कि हम एक एक समस्या का समाधान निकालेंगे। अब चुनावों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 90 दिन आपने भी कहा समय बीता है, कैसी रही फाइट, टफ फाइट मान रहे हैं सामने जेपी अग्रवाल कांग्रेस से? देखिए, फाइट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि चुनौती कहीं थी ही नहीं। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 साल में देश पर शासन किया और उनकी जो सफलताएं हैं उनकी एक बहुत लंबी विरासत हमको मिली जब हम चुनाव में गए, तो लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति था, ये समझ में आया। आज भी लोगों का विश्वास है, उन्हें लगता है कि राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो कहा वो किया। दूसरा, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जखीरा था जिन्होंने रात दिन एक किया। तीसरी तरफ हमारे सामने जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, वो हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस की हालत बड़ी टूटी फूटी थी, कार्यकर्ता कहीं थे नहीं, ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि वो उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, और वो आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले उनको गाली देती थी, उनके नेताओं को जेल भेजने की बात कहती थी, उनके साथ कांग्रेस ने समझौता किया और चुनाव लड़ा।
मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। तो कहीं चुनौती किसी प्रकार के सामने थी नहीं और चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछली दफा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की थी, करीब 50% से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। इस बार इंडिया गठबंधन एक साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में थे और दावा कर रहे थे कि अब जब एक हो गए हैं तो वोट भी एक हो जाएंगे और बढ़कर आएंगे सामने, तो इंडिया गठबंधन कोई चुनौती? देखिए, आप इसे गठबंधन कह रही है, मैं इसे गठबंधन नहीं मानता। ये राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिला कि दिल्ली में ये गठबंधन के नाम पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और यही लोग फिर पंजाब जाकर के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इन्होंने समझा कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को समझ में नहीं आता है। जनता को सब समझ में आया कि ये किस तरीके से सत्ता पाने के लिए जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता ने इस बात को समझा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे। ये अवसरवादिता थी जो फेल हो गई। ठीक है, चांदनी चौक लोकसभा सीट, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे थे सबसे पहले तो प्रचार प्रसार करने के लिए, और 25 मई को हमने तस्वीरें देखी थी कि वोट डालने के लिए यहाँ से पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी की राजनीति से अब जनता उब चुकी है, थक चुकी है। तो ऐसे में जब वोट मांगने भी पहुंचे थे तब भी यही बात दोहराई थी और कहा था कि अब आपने अगर बीजेपी को वोट दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो मुझे जेल जाने से बचाइए और इंडिया गठबंधन के लिए वोट करिए। तो ये सिंपैथी जनता की इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। अरविंद केजरीवाल जब चांदनी चौक में प्रचार करने आए तो सबसे मजे की बात यह थी कि केजरीवाल एक जीप में थे और जयप्रकाश अग्रवाल अलग जीप में थे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी को मन से पार्टनर मानते हो तो आपको उनके साथ में जीप शेयर करनी चाहिए थी। आपने जीप शेयर नहीं की, उससे साफ पता लगा कि दोनों के बीच में इतना बड़ा फासला है जिसको पूरा किया नहीं जा सकता। दूसरा, जनता की सिंपैथी की बात है। सिंपैथी किसके साथ में होगी? जो घोटालेबाज थे, जो नौटंकी करते हैं, जो लोगों को धोखा दे रहे थे, जो सरकार को धोखा दे रहे थे, जनता उनके साथ सिंपैथी करेगी क्या? और कोर्ट ने उनको बेल पर भेजा। ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री बेल पर आया लेकिन कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आप काम नहीं करोगे। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि कोर्ट के पास ये एविडेंस है कि जिन एविडेंस के कोर्ट को लगता है कि ये दोषी है, तो दोषी व्यक्ति के साथ सहानुभूति कौन करेगा मुझे समझ में नहीं आता है। कानून का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा, केजरीवाल जी को भी करना पड़ेगा। तो कानून अपना काम कर रहा है तो उसमें जनता की सिंपैथी का विषय तो कोई आता ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रवीण जी, जब आपका नाम बीजेपी की तरफ से लाया गया था, यानी कि चुनावी मैदान में आपको उतारा गया था, तो काफी समय बाद आपके नाम के ऐलान के काफी समय बाद जेपी अग्रवाल के नाम पर मंथन विचार करने के बाद कांग्रेस ने मोहर लगाई थी और तब से ही अटकलें तेज हो गई थी कि व्यापारी वर्सेज व्यापारी का ये पूरा रण रहेगा चुनावी मैदान में। तो क्या वाकई में व्यापारी वर्सेज व्यापारी देखा गया? आप भी थे फील्ड में पूरे समय। और दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल का यह आरोप था कि भले ही व्यापारी हैं प्रवीण खंडेलवाल, लेकिन व्यापारियों की ही समस्याओं से परेशानियों से वाकिफ नहीं है। देखिए, मैं दो तीन बातें इसमें जरूर कहूंगा। पहली बात तो व्यापारी कौन? वैसे तो जो पार्लियामेंट में जीतेगा सबके अपने व्यवसाय है, तो क्या सब व्यापारी हो गए? बिल्कुल नहीं। व्यापारी क्षेत्र में जिसने काम किया, जो लगातार काम कर रहा है, वो व्यापारियों का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। मैं पिछले 35 सालों से मैंने व्यापारियों के क्षेत्र में काम किया। जब भी कोई समस्या आई तो मैं और हमारी पूरी टीम व्यापारियों के साथ में मजबूती से खड़ी रही। मीडिया ने लगातार हमारी मदद करी, लोगों को बताया कि व्यापारियों के लिए कौन काम कर रहा है। जेपी अग्रवाल जी 25 साल पहले चांदनी चौक छोड़ गए, 35 साल पहले चांदनी चौक छोड़ करके चले गए। पिछले 25 सालों में जब भी कोई व्यापारी का विषय आया तो जेपी अग्रवाल जी कहीं पर भी खड़े नहीं थे। तो उनका यह कहना कि व्यापारी वो है, वो एक बड़ा सवाल लगाता है जिसको व्यापारियों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, उनका यह कहना कि प्रवीण खंडेलवाल को व्यापारियों के विषय में पता नहीं है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, मेरे चांदनी चौक के हों या पूरे देश के हों, सबने एक मत से ये बता दिया कि व्यापारी के रूप में यदि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो प्रवीण खंडेलवाल है। और ये सारा उनका जो निर्णय है
ये 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी तो समझ में आ जाएगा कि व्यापारी के रूप में कौन है और किसको लोगों ने स्वीकार किया। और 4 जून का ही इंतजार है, आप कैसे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी क्या है 4 जून की? सर कोई खास तैयारी नहीं है क्योंकि सिस्टम है, ईवीएम मशीन है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। जहाँ ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी है, दिन में एक बार जाकर के अलग अलग हमारे म्यूनिसिपल वार्ड के कार्यकर्ता उनका निरीक्षण करते हैं। अब हम तैयारियों में जुटे हैं कि हमारे काउंटिंग एजेंट कौन कौन होंगे, उस पर पार्टी में मंथन चल रहा है। हमारे जो ज़िले के लोग हैं वो लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको बेसब्री से अब 4 जून का इंतजार है। ठीक है प्रवीण जी, अब इस देखा गया था कि इस चुनाव में 7 में से 6 लोकसभा सीटों पे, जिसमें आपकी भी सीट शामिल थी, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों को बदला गया था। आपके पहले हर्षवर्धन जी थे इसी सीट से और अब आपका नाम आगे लाया गया था। तो विपक्ष को, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक बड़े मौके के रूप में विपक्ष देख रहा था और इसको लेकर काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश की गई इस मुद्दे को कि प्रत्याशियों को बदल दिया गया, यानी कि काम अच्छा नहीं था, लगातार वार किया गया। तो ऐसे में विपक्ष के इन आरोपों पर क्या कहेंगे, लगातार ये चलता आया? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक संगठन है और संगठन में अलग अलग भूमिका अलग अलग लोगों की अलग अलग समय पर तय होती है। अब से पहले मुझे कहा गया कि मुझे व्यापारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं व्यापारी क्षेत्र में काम कर रहा था। 2008 में मुझसे कहा गया कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़नी है, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। 2010 में मुझे कहा गया कि आपको प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनना है, मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष का दायित्व तो निभाया। अब मुझे कहा गया कि आपको लोकसभा लड़नी है, तो मैं लोकसभा लड़ा हूँ। इसी प्रकार से चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो या जो इन अन्य 6 मेरे प्रत्याशी हैं, अब से पहले वो संगठन में अलग अलग पदों पर थे। अब संगठन ने तय किया कि उनको चुनावी राजनीति में जाना चाहिए, तो हम सब संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन जब हमें जिस वक्त भी जो दायित्व देगा, हम उस दायित्व को निभाएंगे। ये हमारी भाजपा का ये कोर है। तो इसलिए कि किसी का काम खराब था इसलिए उसको हटा दिया, या किसी का काम अच्छा था इसलिए उसको रख लिया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और समय समय पर लोगों की भूमिकाएं बदलती हैं। इसी प्रकार से इस चुनाव में भी भूमिकाएं बदली हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, अगर मैं बात करूं चुनावी फीसद की, यानी कि वोटिंग परसेंटेज की, जो मतदान रहा है उसका क्या फीसद रहा है, तो इस बार 2019 के मुकाबले कम देखने को मिला है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि 7 सीटें हम ही जीतेंगे, और चूंकि ये जो मतदान फीसद है उससे ये दर्शाता है कि जनता का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, जनता निराश है, और इसलिए 400 पार का जो नारा है बीजेपी का वो भी फेल। देखिए सपने देखने का हर एक को अधिकार है, मैं किसी को सपने देखने से रोक नहीं सकता, लेकिन ये मतदान का जो प्रतिशत कम हुआ है, आप गर्मी कितनी थी, बहुत प्रचंड गर्मी थी, इस कारण से मतदान का प्रतिशत कम हुआ। लेकिन भाजपा का जो काडर वोट था, भाजपा का जो समर्थक था, भाजपा को जो लोग चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में जो विश्वास था, वो सारा वोट निकल करके आया। उसने गर्मी की भी परवाह नहीं की और उन्होंने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर लोग परिवार सहित मतदान करने आए, तो कुल मिलाकर के जो भाजपा की जो स्थिति है वो इससे और मजबूत हुई है। और हम एक बड़े मार्जिन से दिल्ली की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ एक आकलन है, वो खुश हो रहे हैं इस आकलन को करके। वास्तविकता वो भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। अच्छा, और अगर आते हैं, अगर आप आते हैं जीतकर 4 जून को, तो क्या विजन रहेगा? देखिए अगर वाला शब्द तो आप इस्तेमाल ही ना करें, आ तो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विजन सिर्फ एक ही है कि मेरे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। उसके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे, हमारा पूरा संगठन मेहनत करेगा, और जो जो वादे हमने किए, जो जो संकल्प हमने लिए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूँ।
रहवासियों के लिए सर क्या विजन प्लान है, क्योंकि वहाँ पे अगर चांदनी चौक में रहवासियों की बात करें तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान होना जरूरी है, उसके लिए क्या रणनीति? देखिए, क्योंकि मैं चांदनी चौक में ही पला बड़ा हुआ हूँ, चांदनी चौक में एक जगह है सीताराम बाजार, मैं मेरा जन्म वहीं पर हुआ, मैं वहीं पर पला, वहीं पर बड़ा, वहीं मैंने शिक्षा करी, एक बहुत लंबा समय मैंने वहाँ पर गुजारा है, तो वहाँ की एक एक समस्या से मैं परिचित हूँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जो रहवासी वहाँ पर महसूस कर रहे हैं और मैंने मेरे जीवन में महसूस न की हूँ। मैं उन समस्याओं के बीच में जिया हूँ, इसलिए मुझे लोगों के कष्ट का मालूम है, मुझे लोगों की पीड़ा का मालूम है। बहुत समस्याएं अनंत हैं, बहुत सारे इलाके नरक बने हुए हैं, उनको ठीक करना है। बिजली की बड़ी समस्या है, बिजली के लंबे तार लटके हुए हैं जो जीवन के लिए खतरा है, उनको ठीक करना है। ट्रैफिक है, पार्किंग है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, हमारे युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत काम करना है, महिलाएं जो स्वावलंबी बनना चाहती है, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनके लिए रोजगार की योजनाएं हैं। ऐसे काबू की एक लंबी फहरिस्त है जो पूरे दिमाग में है और जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में हो रही हैं, और चुनाव जीतने के बाद अपना विजन प्लान आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। ठीक है प्रवीण जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। कल हमने देखा था कि दिल्ली में लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी, काफी प्रत्याशी, चाहे वो कमलजीत सहरावत हो, बासुरी स्वराज हो, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला था। प्रवीण शंकर कपूर द्वारा जो मानहानि को लेकर दावा किया गया है उसको लेकर टिप्पणी की थी, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। जिस प्रकार के आरोप, अनर्गल आरोप लगाने की आदत अरविंद केजरीवाल जी को पड़ गई है, जब तक उसका समुचित जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। आप कभी भी खड़े होकर के कभी किसी की पगड़ी उछाल देंगे और लोग चुपचाप होकर के देखते रहेंगे, ऐसा अब होने वाला नहीं है। और ये जो मानहानि केस प्रवीण शंकर कपूर जी ने दायर किया है वो इस बात की वानगी है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता चुपचाप सहन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अगर आरोप लगाएंगे तो उसका समुचित उत्तर उन्हें दिया जाएगा और अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि जो जो सवाल उनके खिलाफ उठाए गए हैं, जो जो सवाल उनकी पार्टी के खिलाफ उठाए गए हैं, वो सवालों का जवाब अब उनको आगे आकर के देना पड़ेगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल का किस्सा हो, चाहे वो उनके अपने घोटालों का हो, चाहे वो शराब घोटाला हो या अनियमितताएं हो, उनके मोहल्ला क्लिनिक की जर्जर हालत हो, एक एक सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और दिल्ली की जनता बहुत ध्यान से उनको देखेगी कि जो अपने आप को विकास पुरुष कहने की बात करते हैं उनकी असलियत क्या है, ये हम जनता के सामने लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ प्रवीण जी, एक लास्ट सवाल और कि अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई है कि जो अर्जी दायर की गई थी अपनी जमानत को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए, वो खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, लेकिन चुनाव प्रचार करते हुए तो कहीं बीमार नहीं दिखाई दिए। लगातार पहले दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, अब पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, प्रचंड गर्मी में जीप के अंदर घूम रहे हैं, तब तो उनकी तकलीफ, तब तो उनकी तबीयत ठीक रहती है, लेकिन क्योंकि 2 तारीख को कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें वापस तिहाड़ जाना है और वो तिहाड़ जाना नहीं चाहते, इसलिए वो कह रहे हैं मुझे मेडिकल ग्राउंड पर मुझे बेल दी जाए। तो कुल मिलाकर के ये सारा फैब्रिकेटेड मामला है और कोर्ट को यह समझ में नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि कोर्ट इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनको कोई किसी प्रकार की एक्सटेंशन मिलेगी। 2 तारीख के बाद जो कोर्ट का निर्णय है उसके हिसाब से उनको वापस तिहाड़ में जाना ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जी दिल्ली NCR हरियाणा की तरफ से। 4 जून को अब नतीजों का इंतजार है।